देवगांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर निकाली गई शांति पथ यात्रा। देवगांव बाजार में बुधवार को संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन के तत्वाधान में एक भव्य शांति पथ पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का शुभारंभ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करके और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके आरम्भ की गयी। यह पदयात्रा उसरौली तरफकाजी नंदापुर मिर्जापुर होते हुए देवगांव बाजार का भ्रमण करते हुए समाप्त हुई। पदयात्रा में शामिल लोगों ने बाबा साहब अमर रहे आदि के नारे लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। साथ ही बड़ी संख्या में लोग झंडा बैनर लेकर बाबा साहब का गुणगान करते हुए चल रहे थे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित हुई। राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन के लोगों ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह शांति पथ पदयात्रा हर साल की तरह इस साल भी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता होने के साथ महान व्यक्तित्व के धनी और काफी दूरदर्शी थे। उन्होंने देश के सभी समुदायों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने आजादी के बाद भारत को एक नई दिशा दी। हम सभी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है। वो बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। वो 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के जानकार भी थे। उन्होंने कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्होंने देश से छुआछूत हटाने के लिए काफी प्रयास किया। उन्होंने दलितोत्थान के लिए 5 पत्रिकाएं भी निकाली। उन्होंने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये सोच थी कि महिलाओं की उन्नति तभी हो सकती है जब उन्हें घर परिवार समाज सभी जगह समान दर्जा और अवसर प्राप्त हो। शिक्षा और संपत्ति में अधिकार उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मददगार साबित होगा। उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित उनके आवास पर हुआ था। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर बीडी भास्कर एडवोकेट अशोक राव, रमेश रावत, मास्टर रामजनम, मास्टर प्रमोद, मास्टर राजेश, अजय सिंह, डॉक्टर सतीश चंद्रा, रविकांत मास्टर, मुसाफिर प्रधान, अजीत सूरज आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, शोषितों अछूतों पिछड़ों अल्पसंख्यकों महिलाओं के उद्धारक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संसद में परिनिर्वाण में बापू श्रद्धांजलि और शांति पथ पद यात्रा पर आज देवगांव में दूर दराज से सभी गांवों से लोग निकले हुए हैं। आज उस महान उस विभूति के लिए आज हम लोग शांति पथ पद यात्रा के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए जो कतार है आप लोग दूरी खुद बना रहे और अपना एक हाथ की दूरी बना कर रखें। हम लोग अनुशासन जाने जाते हैं। इस देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं सूचित करता हूं कि आरबीसीएम के माध्यम से आपके देवगांव में एक भव्य पद विहार का जो कल्पना किया गया है वह जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जिसके लिए जो भी यहाँ की जमीन ले ली गई है, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग है और सहयोग रहा तो जल्द ही उसका कार्य शुरू किया जाएगा। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के सहयोग से एक भव्य बौद्ध विहार जिसमें शिक्षा और एजुकेशन का काम शुरू किया जाएगा और सभी प्रकार के ध्यान केंद्र खोले जाएंगे। जैसा कि यह कार्य आप लोगों के सहयोग से ही होने जा रहा है, देवगांव में एक भव्य बौद्ध विहार का आगाज होने वाला है। आपसे निवेदन है, सभी साथी जहाँ जैसे हैं लाइन में बनाए रखें। तितर बितर बहुत से साथी हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जब सब सही हटना रहा।
नहीं है वो जब